तो भाई मैनचेस्टर सिटी वर्सेस न्यूकासल यूनाइटेड इन माय ओपिनियन इज डेफिनेटली वन ऑफ द गेम्स जो आप एज अ कंटेंडर याद रखोगे फॉर गेम ऑफ द सीजन, क्योंकि भाई इट वाज एन एपिक कमबैक फ्रॉम मैनचेस्टर सिटी एंड ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल प्ले फ्रॉम न्यूकासल यूनाइटेड। और भाई इस सीजन न्यूकासल हैव एक्चुअली बीन इम्प्रेसिव। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर बोल रहे हैं सिटी हैड अ बैड गेम एंड एवरीथिंग, बट न्यूकासल ने इस सीजन इस गेम के पहले कोई गोल कंसीड नहीं किया था, एंड देयर फॉर एक बहुत इंटरेस्टिंग मैचअप था बिटवीन मैनचेस्टर सिटी एंड न्यूकासल यूनाइटेड। इसी मैचअप के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे, सो लेट्स बिगिन। तो भाई न्यूकासल यूनाइटेड एक बहुत स्ट्रांग लाइनअप के साथ उतरी थी, उनकी स्ट्रांगेस्ट लाइनअप पॉसिबल, सो आई डोंट थिंक देर इज मच टू डिस्कस। फ्रंट थ्री मेनली डिस्कस करते हैं हु आर हैविंग एन इनक्रेडिबल गेम, केलम विल्सन, जो लिंटन एंड द मैन ऑफ द मैच फॉर मी एलन सैन मैक्सिमिन, क्योंकि भाई एलन सैन मैक्सिमिन वॉज इनक्रेडिबल। भाई बंदे ने तीनों गोल के असिस्ट दिए हैं, ही वॉज सो गुड लिटरली। वॉकर के लिए दिस वॉज इन माई ओपिनियन वन ऑफ द टफेस्ट गेम दैट आई हैव सीन वॉकर को इस गेम में। ही वॉज स्वेटिंग, ही वॉज सो वरीड इन दिस गेम। अगर मैं बात करता हूँ वही मैन सिटी की, मैन सिटी वेंट विथ अ वेरी स्ट्रॉन्ग लाइनअप देमसेल्स। द ओनली थिंग दैट आई थॉट वॉज मारेस शुड हैव स्टार्टेड ओवर बर्नार्डो, बट बर्नार्डो सिल्वा हैड अ गुड गेम, ही स्कोर्ड अ गोल, ही असिस्टेड, सो बर्नार्डो सिल्वा वॉज वेरी गुड। केविन डेब्रुइना हमेशा की तरह अगेन ही गेव वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल गोल्स। जस्ट लुक एट दिस, यहाँ से केविन डेब्रुइना ने असिस्ट किया बर्नार्डो सिल्वा को, एंड दैट असिस्ट हैड अ नटमेग। तो भाई इट वॉज अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल गेम फ्रॉम केविन डेब्रुइना एज वेल, एंड मोर और लेस सिटी वर गुड। अगर मैं डिफेंसिव की बात करूँ छोड़कर, तो सिटी वर रियली गुड इन दिस गेम, एंड कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो बहुत बुरी थी पर्टिकुलरली। पर से मैं नहीं बोल सकता कि ये पार्ट सिटी का बुरा था, वो पार्ट सिटी का बुरा था, बट द ओनली थिंग दैट आई वुड पॉइंट आउट इज सिटी नीड टू फोकस मोर ऑन ब्रिंगिंग बैक लापोर्त सून, क्योंकि जैसे ही आके की इंजरी हुई वी स्टार्टेड टू रियलाइज वाई वी नीड अ लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक वहाँ पर। एंड अगर आके की इंजरी नहीं हुई होती, आई थिंक सिटी वुड हैव वन दिस गेम, आई थिंक सो। एंड जो 21st मिनट सब्स्टिट्यूशन था, इट वॉज वेरी यू नो वेरी अनसेटलिंग फॉर सिटी, क्योंकि फर्स्ट गोल लेफ्ट पोस्ट पर फ्री था। सेकेंड गोल भाई तुम अगर देखोगे सेकेंड गोल के टाइम पर क्या हुआ, डियाज वॉज बीटन, एंड दिस इज द रीज़न वाई आई एम सेइंग यू नो सिटी वर गुड। ऑब्वियसली हम यहाँ पर पॉजिटिव अगर ले तो सिटी मेड अ वेरी गुड कम बैक, हमने वो स्पिरिट दिखाई, वी कुड हैव इवन वन द गेम, देर वर चांसेस। केविन डेब्रुइना का मिस हुआ, मतलब सेव हुआ काफ़ी अच्छा, अर्लिंग हालैंड का फ्रेम पर लगा, अर्लिंग हालैंड का सेव हुआ बहुत अच्छा, तो वी हैड चांसेस, आई एम नॉट सेइंग वी डिडंट, पर इट्स नॉट ईजी, इट वॉजंट ईजी, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वी डिड मिस्टेक्स। मैन सिटी के दो गोल नहीं कंसीड होने चाहिए थे इन माई हम्बल ओपिनियन, बट न्यूकासल यूनाइटेड जिस एफर्ट के साथ उनने खेला है, जो गेम प्लान उनने एक एक मिनट फॉलो किया अपना इस गेम में, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस गेम, न्यूकासल यूनाइटेड ने कुछ भी हो गया बट दे फॉलोड देयर गेम प्लान, एंड भाई वॉट अ ब्यूटी, वॉट अ ब्यूटी फ्रॉम केरन ट्रिपियर। तो भाई अगेन बिफोर आई से एनीथिंग, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू न्यूकासल यूनाइटेड, बट मैनचेस्टर सिटी नीड टू इम्प्रूव अगर हमको प्रीमियर लीग टाइटल इस सीज़न जीतना है। वहीं अगर हम बात करते हैं एक और क्लब की, चेल्सी, तो भाई चेल्सी हैड अ वेरी 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 बैड गेम, दे लॉस्ट 3-0 अगेंस्ट लीड्स। तो भाई जेसी मार्श की टीम इज मार्चिंग ऑन, दे आर हैविंग एन इनक्रेडिबल सीजन टिल नाउ, 7 points फ्रॉम पॉसिबल 9, पहले 3 गेम में दे हैव अ ड्रॉ एंड 2 wins, सो वेरी इनक्रेडिबल रिजल्ट फॉर लीड्स। पर लीड्स के लिए एक बहुत इम्प्रेसिव चीज़ यहाँ पर ये थी कि दे सीम टू बी वॉकिंग, यू नो दे सीम टू बी अंडरस्टैंडिंग मार्श क्या करना चाह रहा है, वेर एज चेल्सी सीम लॉस्ट। फर्स्ट गेम चेल्सी का अच्छा था, सेकेंड गेम ड्रॉ हुआ टॉटनेम के सामने, वेर दे शुड हैव वन टेक्निकली, बट यू कैंट चेंज द रिजल्ट, एंड द थर्ड गेम इट वॉज अ लॉस, इट वॉज अ वेरी ह्यूमिलिएटिंग लॉस, एंड आई थिंक हम्बलिंग वुड बी अ बेटर वर्ड, ह्यूमिलिएटिंग इज अ रॉन्ग वर्ड हियर, पर इट वॉज अ हम्बलिंग लॉस चेल्सी के लिए, एंड दिस शोज दैट प्रीमियर लीग बहुत बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। अगर मैं बात करूँ भाई चेल्सी की गलतियाँ कहाँ हुई, मेरे हिसाब से आई थिंक द बिगेस्ट मिस्टेक दैट चेल्सी डिड वॉज
पर्सनल परफॉर्मेंसेज यार, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, आई थिंक टैक्टिकली चेल्सी वर फाइन. आई थिंक थॉमस टुशेल डिड द जॉब वेरी वेल, ही सेट अप द टीम वेल. बट गलतियाँ वहाँ हो रही थी दैट फर्स्ट ऑफ ऑल कुलेबाली डिडंट लुक दैट द लीडर ही डिड इन द फर्स्ट गेम. देन यू नो काफ़ी सारी इंडिविजुअल मिस्टेक्स हो रही थी गेम में, जिस वजह से चेल्सी एंडेड अप लूजिंग 3-0. आई मीन मेंडी का परफॉर्मेंस तुम देख सकते हो क्या हुआ था. सो इट वॉज अ गुड गेम ओवरऑल. सिटी गेम में भी, हाँ आई फॉरगॉट टू मेंशन वन थिंग, निक पोप वॉज इनक्रेडिबल इन द गेम. तो निक पोप ऑल्सो डिजर्व्ड अ शाउट आउट अलॉन्ग विद द 3 फॉरवर्ड्स एंड ब्रूनो गिमारिश. एज फॉर सिटी, केविन डे ब्रुयना वॉज अगेन मैजेस्टिक. हमारे डिफेंस को इम्प्रूवमेंट्स चाहिए, वी नीड लापोर्ट बैक एज सून एज पॉसिबल. एज फॉर चेल्सी भाई, दे नीड अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट एज वेल. रेड कार्ड भी हो गया भाई कुलेबाली का, तो ही इज गोइंग टू मिस द नेक्स्ट गेम. सो नॉट अ गुड ट्रैक टू गो ऑन. कल मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेज लिवरपूल होने वाला है, तो भाई आज मतलब जब ये वीडियो आप देख रहे हो तो आज मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेज लिवरपूल होने वाला है, तो वो गेम भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा एंड आई लव टू फॉलो दैट गेम. तो उसके ऊपर भी तुमको रिव्यू दिखेगा, कोई टेंशन की बात नहीं है. पर भाई प्लीज़ लाइक करो वीडियो को, ओके, एंड कमेंट करो यार, बताओ, लेट योर ओपिनियंस बी नोन. मुझे बताओ क्या देखना चाहते हो तुम, वॉट आर द थिंग्स दैट यू वुड लाइक टू सी इन द फ्यूचर फ्रॉम मी, कौन से वीडियोज़ तुम चाहोगे कि मैं बनाऊँ. विद दैट सेड, एज ऑलवेज भाई, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. अंटिल देन, दिस